उत्तराखंड में हल्द्वानी के लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषित पानी से लोगों की सेहत और फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने किया मुआयना, कहा जल्द भेजा जाएगा नोटिस। इटली के रोम में G20 के दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, सूत्रों के मुताबिक दुनिया के 20 बड़े देश तापमान 1.5 डिग्री तक घटाने पर हुए राजी। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर इटली के पीएम मार्कियो द्रागी का बड़ा ऐलान, कहा इटली जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए गरीब देशों को दी जाने वाली राशि 3 गुना बढ़ाकर $1.4 बिलियन करेगा। न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर हुई मुश्किल, बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली, T20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट हराया, भारत के ना बल्लेबाज चले ना ही गेंदबाज, टीम इंडिया के 111 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंद में हासिल किया। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा, जेपी नड्डा के शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान, 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे।